अभी जो कलेक्टर साहब में हीरो और हीरोइन है, संजना मैम और प्रमोद प्रेमी जी। दोस्तों नमस्ते। आज हम आपको सर से मिला रहे हैं जो कि बहादुरपुर में फिल्म शूटिंग हो रही है और सर कैमरा का काम करते हैं। सर अपने बारे में परिचय बताएंगे, हम ज़्यादा नहीं जानते सर के बारे में। सर अपना नाम बताइए और थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरिजीत कुंडू है, मैं 11 साल से बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ मुंबई में। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं ये मेरी तीसरी भोजपुरी पिक्चर है, तो बस यही। यानी अभी तक आप जो है केवल भोजपुरी की 3 फिल्म ही बनाए हैं और फिल्मों की शूटिंग आपने हिंदी फिल्म मराठी फिल्मों का किया है आपने। नहीं, सिर्फ हिंदी में ही किया है। तो मैं बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर चुका हूँ, 11 साल हो गए मेरे मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो बस यही है। तो किस चीज़ का काम आप करते हैं? मैं फिल्म में स्टिल फोटोग्राफी करता हूँ, पर वैसे तो फैशन इंडस्ट्री से हूँ मैं। फैशन फोटोग्राफी से मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, तो 11 साल पहले। तो फिल्म में आ गया था मैं 2012-13 में। तो बहुत सारी फिल्म की, डॉन 2 से मेरी स्टार्ट है, शाह सर के साथ मैंने काम किया है, तो बस यही है। तो इस समय भोजपुरी फिल्म में आने का आपका क्या श्रेय है? कैसे आप भोजपुरी फिल्म में आए हैं? मैं पार्टी में एक राज तरु स्टूडियोज़ का जो मालिक है राजीव अग्रवाल, तो वो मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं, तो उनको मेरा काम अच्छा लगा तो उन्होंने बोला कि तू करेगा, तो मैंने बोला हाँ करूँगा, तो बस आ गया। इस समय कौन सी फिल्म की शूटिंग आप कर रहे हैं? कौन सी फिल्म का वीडियोग्राफी कर रहे हैं? जी, वीडियोग्राफी तो मैं नहीं करता, मैं स्टिल्स करता हूँ, वर्किंग स्टिल्स और पोस्टर्स। तो इस फिल्म का नाम है कलेक्टर साहब। तो हम आपके काम को समझ नहीं पाए, हमारे दर्शक भी नहीं समझ पाए, थोड़ा सा अपने काम के बारे में विस्तार से बताएंगे? जो फिल्मों में जो पोस्टर्स आप देखते हो, तो वो मैं खींचता हूँ फोटोज़, तो तब जाके वो पोस्टर्स बनते हैं। अच्छा, ठीक। यानी पोस्टर का फोटो आप लेते हैं, पोस्टर का बैकग्राउंड फोटो, का फोटो लेते हैं? बैकग्राउंड का नहीं, पोस्टर का जो फोटो होता है वो मैं लेता हूँ। फिगर का फोटो लेते हैं? हाँ, आर्टिस्ट का फोटो लेता हूँ जो पोस्टर में बनता है। जैसे अभी जो कलेक्टर साहब में हीरो और हीरोइन है, संजना मैम और प्रमोद प्रेमी जी, तो उनके तस्वीरें लूँगा तो फिर पोस्टर में छपेगा, वो आएगा, आप लोग देखिएगा। भोजपुरी फिल्म में मजा आया कि जो हिंदी फिल्म मजा आया, कुछ इसके बारे में कोई जानकारी देंगे? कौन से कलाकार आप के साथ, किस कलाकार के साथ काम करना आपको अच्छा लगता है, किस कलाकार के साथ कम अच्छा लगता है, किसके साथ आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, किस टीम के साथ, कुछ बताएंगे? मैं कंफर्टेबल तो सबके साथ हो जाता हूँ, आर्टिस्ट हो तो स्टार हो तो मतलब। अभी रिसेंटली अप्रैल में मैं एक अमेज़न प्राइम के लिए सीरीज़ कर रहा था, वो तो अनुपम खेर साहब थे, तो अनुपम खेर साहब के साथ बहुत मेरी अच्छी पहचान हुई काम के दौरान, तो उनके साथ बहुत मेरा अच्छा रिश्ता है अभी भी। यानी अनुपम खेर के साथ आपका जो है, आप उनके बहुत बड़े फॉलोअर हैं और आप उनको पसंद करते हैं? जी, मैं फ़ैन भी हूँ और उनके साथ काम भी करता हूँ, तो उनको भी मेरा काम पसंद है, तो हम लोग उनको मेरे पिक्चर्स बहुत पसंद है। सर आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, क्या आप और कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों के बारे में हमारे? नहीं, बस देखते रहिए सर का चैनल,